नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। इन द फिगर, ये हमारे पास फिगर है फिफ्थ के लिए, ए बी सी। ए डी इज बाइसेक्टर, ए डी बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी ए सी। अगर ए डी बाइसेक्टर है इट मीन्स ये एंगल को ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। पहले ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन है। अगर AD बाइसेक्टर है इट मीन्स ये एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC, ये होगा। अब इन दो ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, ये भी एक तरह से गिवन है हमें, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। एक साइड दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड है। अब हमें ये देखना है कि स्टेट थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स, हमने इक्वल पार्ट्स तीन लिख दिए जो इस ट्रायंगल में है। इज दिस ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, गिव रीजंस। दो इक्वल साइड AD AD के ही इक्वल है। एंगल बी ए डी दो इक्वल साइड्स में इंक्लूडेड है। दो इक्वल साइड ए सी और ए डी में एंगल डी ए सी भी इंक्लूडेड है। यस, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा है, इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, क्लियर है? पहले हमें पूछा है कि इन दो ट्राइंगल्स में थ्री इक्वल जो पार्ट्स हैं कौन से हैं? दो हमें गिवन है, एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है इट मीन्स एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बी ए डी इक्वल्स टू डी ए सी, ये भी गिवन है। ये दो साइड इक्वल गिवन है, एक साइड एडी जो है वो कॉमन है। तो एंगल ये वाला है जो दो इक्वल साइड्स में इंक्लूडेड है, इसलिए एस सी एस कॉन्ग्रेंस रूल अप्लाई हुआ, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, साइड इक्वल टू साइड, एंगल्स विल बी इक्वल टू अनदर एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल। तो एंगल बी इक्वल टू सी बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमें क्या गिवन है, बाय अप्लाइंग ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल इट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के। And it is given BC is equals to RP. What additional information is needed to establish the congruence? ASA congruence rule हमें apply करना है। Side given है equal, हमें दो angles चाहिए और side उसमें included होनी चाहिए। तो क्या additional information चाहिए हमें? Write down. By ASA congruence rule, we need two angles
इज इंक्लूडेड, अगर BC इज इक्वल टू RP है तो एंगल B एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंगल C एंगल P के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ABC, हमारे पास साइड जो BC है इक्वल है RP के, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों एंगल्स में साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये साइड, दो एंगल्स कौन से होंगे, बी और पी, सी और आर, यही दो एंगल्स होंगे। तो बी इज इक्वल्स टू पी भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी है। ए के कॉरेस्पॉन्डेंस क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस हमें दिया है आर, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट गिवन है। So, B, angle B should be equal to angle R और angle C किसके equal होना चाहिए, angle P के। Clear है? एक बार दोबारा से discuss कर रहे हैं, हमें दो sides equal है, given है दो triangles की। ASA congruence rule अगर हमें apply करके दोनों triangles को congruent proof करना है तो हमें और additional क्या चाहिए, दो angles। अगर हमें ASA rule apply करना है तो दो angles चाहिए और साइड उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। साइड ये है तो अगर एंगल्स में इंक्लूडेड होगी तो एंगल होंगे बी और सी, और इसमें एंगल होंगे आर और पी। तो एंगल बी इक्वल्स टू आर, सी इज इक्वल्स टू पी, ये हमें कहां से पता चला, ए के कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट है क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट है आर और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है पी। क्लियर? Therefore, ABC congruent triangle QRP by ASA congruence rule. Clear? Note कीजिए।